फ्रेंड्स, मैं आपके पास एक प्रोग्राम लेके आई हूँ। आइए इस प्रोग्राम को पढ़ते हैं। इस प्रोग्राम का नाम है पैलिंड्रोम नंबर। तो मतलब नंबर इधर से और उधर से दोनों तरफ से सेम होना चाहिए, मतलब 1 to 1, और इधर से पढ़े 1 to 1, मतलब नंबर सेम होना चाहिए। यहाँ पे और एक कंडीशन भी दिया गया है, मतलब एक केस दिया गया है, अगर नंबर नेगेटिव हो। मतलब देखिए, अगर इधर से नेगेटिव हो, इधर में तो नेगेटिव पीछे आ जाएगा, तो फिर ये पैलिंड्रोम नहीं होगा। तो इसीलिए कोई भी नेगेटिव नंबर अगर हमें मिले तो उसे हमें फॉल्स रिटर्न कर देना है। आइए, इसमें इसके लिए हम बूल फंक्शन यूज़ करेंगे और पैलिंड्रोम नंबर को कोड करते हैं। इनपुट बाद में ले लेंगे, पहले देखते हैं हमें क्या क्या लगेगा। पहले ये जो एक्स है इसको हम कहीं पे रख देते हैं, क्योंकि बाद में इसको चेक भी तो करना है। तो इंट एक वेरिएबल लेते हैं, एम इक्वल्स टू एक्स, मतलब ये एक्स मैंने एम में स्टोर कर दिया। फिर हम चेक करेंगे, अगर एक्स जो है हमारा वो लेस देन 0 है, मतलब एल्स अगर, मतलब एक्स अगर हमारा लेस देन 0 है, तो हमारा रिटर्न क्या करेगा? फॉल्स, क्योंकि कोई भी नेगेटिव नंबर होगा तो वो हमारा पैलिंड्रोम नहीं होगा, रिटर्न फॉल्स कर देगा। अगर अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो हम क्या करेंगे? अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो हम एक वाइल का लूप चलाएंगे, जब जब तक एक्स हमारा इक्वल टू 0 नहीं हो जाता, ये नॉट मतलब हाँ नॉट इक्वल टू 0 है तब तक प्रोग्राम रन करेगा। जब इक्वल टू हो जाएगा तब प्रोग्राम छोड़ मतलब ब्रेक कर जाएगा। इसके लिए एक वेरिएबल लेगा जिसमें हमें पहले एक एक नंबर निकालना है। इसके लिए पहले मैंने एक रिमाइंडर वेरिएबल आर रख लिया। आइए देखते हैं। आर आर इक्वल्स टू एन मॉड्यूलो डिविजन 10, एक एक डिजिट के लिए एक एक डिजिट मिल जाएगा। उसको हम एक एस नाम के वेरिएबल में स्टोर करेंगे। उसके लिए हम डबल रख लेते हैं। ये हमारा उसको सम कर करके रिटर्न करेगा, पहले 0 तो फिर ये आर आ जाएगा, फिर ये 1, ऐसे करके होता जाएगा। उसके बाद कब तक रन करेगा? जब तक हमारा एक्स 0 नहीं हो जाता, मतलब इसके लिए एक एक हम घटाएंगे, मतलब हम डिवाइड करेंगे। तो ये पूरा पैलिंड्रोम चेक होने के बाद हम चेक करेंगे जो हमारा आंसर आया, मतलब जो हमारा एम है वो इक्वल टू हमारे एस है या नहीं, मतलब जो हम सम करके निकाले हैं वो हमारा इक्वल टू है या नहीं। अगर होगा तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू, एल्स हम क्या रिटर्न करेंगे? फॉल्स। तो ये हमारा प्रोग्राम हो चुका है। आइए इसको रन करके देखते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम रन कर चुका